अस्सलाम वालेकुम जी, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की जो रेसिपी है 9 मिनट चाउमीन रेसिपी। चलें जी, अब रेसिपी शुरू करते हैं। हम लोगों ने एक मीडियम साइज की प्याज लेनी है, उसके बाद 7 to 8 क्लोव्स हम लोगों ने गार्लिक के लेना है, 4 से 5 ग्रीन चिली लेनी है, एक हम लोगों ने स्प्रिंग अनियन लेनी है, एक ग्रीन बेल पेपर, एक रेड बेल पेपर और एक हमें बड़े साइज़ का गाजर चाहिए। हम लोगों ने सारी सब्जियों को काट लेना है। हम लोगों ने सब्जियों को जूलियन फॉर्म में काटना है और प्याज, गार्लिक और ग्रीन चिली को हम लोगों ने छोटा छोटा चॉप कर लेना है। ये जी ग्रीन चिली प्याज चॉप हो गई। अब जी प्रोसेस शुरू करते हैं। हम लोगों ने 4 टेबलस्पून ऑयल लेना है, उसके अंदर प्याज और जो ग्रीन चिली चॉप करके रखी हुई थी ना वो डालनी है और इसको हम लोगों ने 60 सेकेंड्स तक तेज़ आग पर फ्राई करना है। जब प्याज फ्राई हो जाएगी ना, हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी, हम लोगों ने जो गार्लिक चॉप करके रखा था ना हम लोगों ने वो डालना है और गार्लिक को ऑयल में 30 सेकेंड्स के लिए फ्राई करना है। ये जी 30 सेकेंड्स गुजर गए। अब हम लोगों ने इसके अंदर सारी सब्जियां एक साथ ही डाल देनी है और सब्जियों को हम लोगों ने हाई फ्लेम पर 5 मिनट तक के लिए फ्राई करना है। ठीक है जी, जब सब्जियां 5 मिनट्स फ्राई हो जाएंगी हम लोगों ने इसके अंदर 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डालना है, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, और 1 टेबलस्पून हम लोगों ने इसके अंदर चिकन पाउडर डालना है। ये जी चिकन पाउडर चला गया। अब हम लोगों ने चूल्हा तेज़ किया हुआ है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये जी मिक्स 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 करने के बाद हम लोगों ने इसके अंदर 1 टेबलस्पून सोया सॉस डालना है, 1 टेबलस्पून विनेगर डालना है और 3 टेबलस्पून हॉट सॉस डालना है। अगर आप लोगों को मिर्ची कम पसंद है तो आप लोग हॉट सॉस 1 टेबलस्पून डाल दिएगा। अब हम लोगों ने सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर देनी है और इन्हीं सब चीज़ों में जो है ना सब्ज़ियाँ जो है ना वो गल भी जाएंगी। ठीक है जी, अब हम लोगों ने इसके अंदर 125 ग्राम्स बॉयल करे हुए नूडल्स ऐड करना है, उसके बाद इसको सब्ज़ियों के साथ मिक्स कर देना है। ये जी मिक्स हो गया। जब अच्छी तरह से ये सब्जियों के साथ मिक्स हो जाएगा ना, हम लोगों ने इसके ऊपर जो गार्लिक पाउडर होता है ना वो डालना है, अराउंड 1/2 टीस्पून से इसका फ्लेवर बड़े मज़े का हो जाता है, नेक्स्ट लेवल पहुंच जाता है। चलो जी, ये हो गई हमारी चाउमीन रेडी। अब मैं आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये है चाउमीन की फाइनल लुक, रेडी स्टडी गो है खाने के लिए। ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। आऊँगी मैं ये वीडियो के साथ। रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।